ये रहा पुराना ब्रिज। रात के 9:30 बज रहा है, अभी भी ब्रिज का काम चल रहा है और राउरकेला का दूसरा पार्ट में जो लोग हैं उनको लग रहा है कि काम बहुत धीमा चल रहा है। ये साईं बाबा मंदिर और इधर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ। ये पुराना है जिसमें ट्रैफिक जाम होना ये आम बात है और नीचे रेलवे ट्रैक और ये बना है नया ब्रिज इसके ऊपर रेलवे ट्रैक के ऊपर। मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं ब्राह्मणी ब्रिज के लिए लेकिन यहाँ पे उसके चलते 3 नया ब्रिज बन रहा है। लोग काम में लगे हुए हैं, अभी कलरिंग का काम चल रहा है। ये इधर से पिच होना बाकी है। ये TCI है, TCI चौक और इधर से झारतरंग और IDC जाने का रास्ता है ये। और जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज उस तरफ बन रहा है और ये देखिए इसके नीचे से झारतरंग और IDC की तरफ से जो आएंगे इसके नीचे होते हुए वो पहुंच जाएंगे आपका NH और ऊपर से ये ब्रिज पार होगा। व्यूअर्स मुझे बताए थे कि हर महीना ये पानपोस ब्रिज का प्रोग्रेस का वीडियो बनाइए। हर महीना वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, लेकिन हाँ 3 महीने बाद मैं अपनी वीडियो को अपडेट कर रहा हूँ और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक करके देख सकते हो कि 3 महीने में बहुत काम प्रोग्रेस हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है आगे, ये तो 3 महीने पहले था ही नहीं। TCI तरफ का व्यू है, ये जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर वो ब्रिज बन रहा है और यहाँ पे एक नाला है, वो नाला के ऊपर भी ये ब्रिज बन रहा है और ये डांडिया पाली के तरफ से रास्ता है। ये रास्ते में अगर आप जाएंगे तो गर्जन, बिरखेरा, गुरुंडिया, कुचिंडा के लिए। मैं 3 महीने पहले ये जो सेकंड ब्रिज बन रहा है उसका वीडियो बनाया था, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिए और आप कमेंट करके बताइएगा काम का रफ्तार कैसा है, कितने रफ्तार में ये काम चल रहा है। ये गाड़ी को देखिए, ये पानी गिराते हुए जा रहा है, भूल ना उड़े।
ये सब रेडीमेड बना दिया गया है कि इसको जाके डायरेक्ट इसको ब्रिज के ऊपर जो पिलर बना है पिलर के ऊपर रख दिया जाएगा इसको क्रेन के माध्यम से। हम सुन रहे हैं कि पॉलिटिक्स होता रहता है कि ब्रिज धीरे चल रहा है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को परवाह नहीं, गवर्नमेंट को परवाह नहीं, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब झूठ है दोस्त। काम बहुत स्पीड चल रहा है और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि बता रहे थे कि जून 2021 तक ये ब्रिज का काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पर मुझे तो लग रहा है कि कम्प्लीट हो जाना चाहिए। ये दांडियापाली साइड का व्यू है, मैं ये इस तरफ हम जाएंगे तो हनुमान वाटिका की तरफ है, मतलब ये रिंग रोड है और रिंग रोड से ये हॉकी चौक से राइट साइड हमारा पासपोर्ट, हम लेफ्ट साइड चलेंगे। हम लेफ्ट साइड चलेंगे, नया ब्रिज कहाँ से शुरू हो रहा है वो देख लेंगे। आप सीधा चलोगे तो आपको इधर फर्टिलाइजर होके लाठी कटा होके आप तो केवंझर और भुवनेश्वर के लिए जा सकते हो। हम थोड़ा आगे, हम राइट साइड चलो, चलो मैं आपको आगे अपडेट करूँ। अब ये देख सकते हो ये फॉरेस्ट कॉलोनी का जो रास्ता था, इस रास्ते में नया ब्रिज आके टच करेगा। लेफ्ट साइड इसका बालू घाट है और राइट साइड में इसका इरिगेशन कॉलोनी जिसको हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज काका। और मुझे तो लग रहा है कि ये जो रफ्तार में काम चल रहा है, इस रफ्तार में अगर काम चलता रहा तो बहुत जल्दी ये ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग नए ब्रिज में जाना आना करेंगे। दिन रात यहाँ पे काम हो रहा है। मैं आपको दिखाया इस तरफ रास्ता टच करेगा और ये बालू घाट एरिया है, बालू घाट और इधर रुपुटोला इरिगेशन कॉलोनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है इधर का है और यहाँ पे वो ब्रिज लैंडिंग कर रहा है और आगे जो एनएच है एनएच को वो टच करेगा। चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इधर का। यहाँ ब्रिज का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आज से 3 महीना पहले मैं ये ब्रिज का वीडियोस बनाया था, आप लोग का काफ़ी प्यार मिला, करीबन 3000 से ज़्यादा लोग इसको देखे हैं। लोगों को लगता है कि राउरकेला का जो ब्रिज बन रहा है वो बहुत धीमी तरह से चल रहा है क्योंकि मीडिया इसको प्रचार कर रही है कि बहुत धीमी गति में ब्रिज बन रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। ब्रिज का काम बहुत स्पीड में चल रहा है और यहाँ का जो इंजीनियर है उनका एक मैं इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि जून 2021 तक ये ब्रिज का काम कम्प्लीट हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। अब हम इस रास्ते में जाएंगे आगे, चलो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। ब्रिज जहाँ पे बन रहा है उस रास्ते में मैं आपको नदी पार करके दिखाऊंगा। वेट किए हुए हैं बहुत दिनों से राउरकेला के बासिंदा ये ब्रिज कितना जल्दी बन जाए, क्योंकि ये लाइफलाइन है राउरकेला का, बहुत परेशानी होता है वो ब्रिज जो पुराना ब्रिज है उसके लिए। 3 महीने पहले मैं इस ब्रिज का एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये पूरा नेकेड था, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं था। अब देखिए रैपिडली काम चल रहा है, दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिए 3 महीने में कितना ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पर। आपको खुद समझ में आएगा कि 3 महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और आपको अभी मैं उस रास्ते में लेके चल रहा हूँ जहाँ पे ब्रिज बन रहा है। मैं आपको ब्रिज के जो ब्रिज बन रहा है उसके नीचे के तरफ से लेते हुए चलूँगा। अब देखो कितना बड़ा और खूबसूरत सा व्यू है उसका और पूरा राउरकेला और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि ये ब्रिज कितना जल्दी बन जाए और कितना जल्दी इसका उद्घाटन हो जाए और हम लोग इस ब्रिज नए ब्रिज के ऊपर जाना आना करें, क्योंकि मैं रहने वाला गर्जन का हूँ और मुझे रोज़ राउरकेला आना होता है और बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है इसके लिए।
पिलर का काम ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर देखिए लोग काम कर रहे हैं। ये दांडियापाली साइड का व्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 3 महीने बाद एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपको अपडेट करूंगा कि ब्रिज का काम